So hey guys, welcome back to my channel Never Ending Footsteps. So this is my second vlog. First vlog was like कि उसका मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस vlog को अपने channel से डालूंगी because I was like कि यूं ही बना दिया था वो, तो मैं prepare नहीं थी उसके लिए. इसके लिए भी not that much, but I will try. मतलब उससे I hope कि ज़्यादा interesting हो because okay, ये क्या है ये तो मैं आपको of course बता ही दूंगी, but जिन लोगों ने अब तक मेरा channel Why I'm laughing? Because ये जो behind the camera आशिमा ठाकुर है, इनको पता है कि क्या हुआ है. हमने actually first clip shoot कर रहे थे तो मेरे से subscribe नहीं बोला गया, तो आशिमा was like कि आपसे यही नहीं बोला गया, तो इस बार जिन लोगों ने भी मेरा channel subscribe नहीं किया है तो मैं like इनको hit कर दे ताकि next में जो भी vlogs बनाऊँ जब भी उससे related notifications आपको मिलती रहे. So about my today's vlog, it's like slam book. जैसे हम स्कूल कॉलेज में क्या करते थे, मैं तो बहुत ज़्यादा करती थी, मे भी आप में से भी कुछ एक लोग करते होंगे. तो आई एम नॉट अ कैमरा शाई पर्सन एंड आई एम लाइक ओके लेट स्टार्ट. इट्स लाइक यहाँ पे बहुत सारे मीन्स के 30 क्वेश्चन हैं. ओके, तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन आर लाइक फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. वहाँ पे जैसे जो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं मेरे, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑलवेज लाइक कि मतलब उनके क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे नहीं पसंद कि मतलब पर्सनली कि मैं उनको रिप्लाई करूँ बिकॉज वो मेरे नोन नहीं है मैक्सिमम लोग. तो मैं यहाँ पे उनके क्वेश्चंस भी जो हैं 8-10 नॉर्मल से क्वेश्चन, वो उनका रिप्लाई करूँगी. और कुछ एक अदर क्वेश्चन आर हेयर, तो आई विल ट्राई. सो हेयर इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को पता है, बट माई नेम. सो माई नेम इज़ पूनम एंड माई निकनेम इज़ शानू. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक जो भी मेरे कलीग हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स हैं वो सभी शानू करके ही बुलाते हैं. माई बर्थडे सो इट्स 24 जैन, जो कि अभी आने वाला है. एंड होम टाउन, सो मेरा होम टाउन है प्रागपुर. इट्स इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज विलेज, यू कैन सर्च ऑन गूगल. सो ये एक्चुअली देहरा के पास ही पड़ता है, कुछ लोगों को पता होगा. माई वर्क प्लेस, मेरा वर्क प्लेस है धर्मशाला. 2015 से मैं धर्मशाला में हूँ और बाकी वर्क प्लेस तो चेंज होते रहते हैं, पता है ना सेकेंड आईआरबी वालों को. व्हाट डू यू लाइक टू बी कॉल्ड? सो ऑफ कोर्स मैं शानू ही सुनना पसंद करती हूँ. पूनम इज़ लाइक समटाइम्स मुझे ऐसा होता है कि इज़ दिस माई नेम. सो शानू. इंस्टा और व्हाट्सएप, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम. व्हाट्सएप इज़ ओनली फॉर लाइक ऑफिशियल ग्रुप्स, सो इंस्टाग्राम. Do you have a pet? No. Pet से मुझे याद आया शीनम भारद्वाज, इफ़ यू आर लिसनिंग एंड माई फैमिली. तो एक बार मैं और शीनम माई फ्रेंड, हम एक छोटा सा पप्पी ले आए थे उठा के, कहीं हम गए थे वहाँ से, और जब हम वापस आए तो मैंने उसको ऐसे बैग में डाला हुआ था और मैंने अपने मम्मा को बोला कि इमेजिन मतलब आप गेस करो कि इसमें क्या होगा. तो मम्मी को लगा कि कहीं से धाम ऐसे करके लाई होगी. तो मम्मी ने बोला क्या कुछ खाने का सामान है या फिर तो धाम लाई है कहीं से. तो मेरा ऐसा था कि मुझे तो पता था बम फटने वाला है, पर शीनम वॉज नॉट रेडी. तो उसको ऐसा था कि शायद कुछ नॉर्मल सा आंटी का रिएक्शन होगा. तो जब मैंने वो पपी रोने लग गया, तो उसको जब मैंने उस लिफाफे से निकाला, तो मम्मा वॉज लाइक आर यू मैड, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इन्हों तो वापस रख गया. तो शी इज़ फ्रॉम ऊना, तो थोड़ा पंजाबी में बात करते हैं. तो फिर उस बेचारे को हमने उस रात घर पे रखा एंड देन मुझे वो वहीं पे छोड़ना पड़ा, जिसका मुझे आज तक अफसोस रहेगा. उसका नाम हमने कुछ ऐसा रख दिया था, आशिमा जैकू. नो जैकू क्या नाम रखा था आशिमा? जैरी नाम रख दिया था हमने उसका. लॉन्ग स्टोरी ना, तो कोई पेट नहीं है और हो भी नहीं सकता. माई एज 36. लास्ट सॉन्ग आई लिसन टू, आई डोंट नो, मैं बहुत से सॉन्ग सुनती रहती हूँ. मतलब मे वी किस्मत 2 का कोई सॉन्ग होगा. फेवरेट कलर ब्लैक ऑफ कोर्स. सॉन्ग परफेक्ट. फूड आई लव सिंपल फूड, तो कोई मेरा खास नहीं. मिक्स वेज आई लव. ऑल टाइम फेवरेट बुक, सो मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है 11 आवर्स, जो कि आप सबको भी पढ़नी चाहिए. सो नाउ फेवरेट एक्टर, तो मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, सब सही है. सब्जेक्ट यू इन्जॉयड मोस्ट इन स्कूल और कॉलेज. स्कूल में सब्जेक्ट जो मैंने इन्जॉय किया वो था मैथ्स. एंड सब्जेक्ट यू इन्जॉयड लीस्ट इन स्कूल, ड्राइंग. मुझे ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं है, चित्रकारी एंड ऑल.
मुझे नहीं आती है, मेरे से होती नहीं है। सो फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी गेम मेरी फेवरेट है? दो ही है, वॉलीबॉल और बैडमिंटन। बैडमिंटन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। योर हॉबीज? ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और रीडिंग बुक्स, समटाइम्स फ़ोन चलाना इज नॉट अ हॉबी, ये तो सब लोगों का है ही। एंड ब्लॉगिंग माई न्यू हॉबी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन। यस, मेरे क्लोज वंस को पता होगा, दैट्स ले लद्दाख एंड सेकेंड वन इज मालदीव्स। ड्रीम जॉब एंड वाई? ड्रीम जॉब एंड वाई, ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स अननोन पर्सन की तरफ से है। ड्रीम जॉब बिकॉज जॉब अभी मिल चुकी है, आई एम वर्किंग इन एचपी पुलिस डिपार्टमेंट। एंड वाई, तो अभी वाई तो है नहीं इस चीज़ में। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में, वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते थे ना, वो लाइक आज तक हमारे साथ हैं, वो रियल फ्रेंड्स होते थे, आई कैन से। एंड या स्पेशली दैट थिंग। और यहाँ पे इन्होंने कॉलेज भी मेंशन किया है, तो कॉलेज का तो आई हैव नो आइडिया। कॉलेज आर लाइक एवरेज। फर्स्ट क्रश याद नहीं है। लेटेस्ट क्रश, नो आइडिया। समवन हु नोज ऑल योर सीक्रेट, माई सिस्टर सारिका राणा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू इमोशनल और ओवर इमोशनल पर्सन? आई एम अ वेरी ओवर इमोशनल पर्सन एक्चुअली। मैं कभी भी ऐसे लाइक कोई भी ऐसे मेरे आगे रो रहा हो तो उसको देख के ओवर इमोशनल ऑफ कोर्स। यू आर इनकम्प्लीट विदाउट? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट माई फैमिली, बिकॉज फैमिली। लास्ट मैसेज, लास्ट क्वेश्चन है, मैसेज टू व्यूअर्स, बिलीव इन योर सेल्फ। इज योर फेवरेट ब्लॉगर? तो मेरे दो ब्लॉगर्स ये हैं जिनके मैं ब्लॉग्स देखती हूँ। फर्स्ट वन इज शिवम शर्मा ऑन इंस्टाग्राम, एंड लाइक शिव रॉय एक्स करके उसकी आईडी है, तो उसको भी आप फॉलो करें। एंड सेकंड इज ज्योतिका दिलैक, मुझे उनके ब्लॉग्स लाइक इंटरेस्टिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और यस, प्रभ कौर की ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, तो यस। एंड नेक्स्ट इज भाई ब्लॉगिंग, ओके गुड वन। ब्लॉगिंग इज लाइक कि मैंने क्यों शुरू किया, यस आई एम नॉट अ मतलब वो ब्लॉगर तो मैं हूँ नहीं, कभी कभी ब्लॉग्स आएंगे जब भी टाइम होगा वैसे। सो ब्लॉगिंग इज लाइक कि ऐसे हैप्पीनेस ही मिलती है, लाइक आई बिलीव इन चेरिश द मोमेंट्स। तो ऐसे मोमेंट्स को रखना चाहिए कि आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं 10 साल बाद अपना यूट्यूब का वीडियोज मतलब ओपन करके देखूँ कि वॉट आई वॉज एंड वॉट आई एम। तो या दैट्स अ रीज़न आई लव टू डू दैट। सो आगे नॉर्मल सा लाइक यही थे क्वेश्चंस। तो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने कमेंट्स ज़रूर करें इससे रिलेटेड कि नेक्स्ट भी मुझे क्या वीडियो शूट करनी चाहिए, ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। आपके आइडियाज़ मैं ज़रूर उन चीज़ों पे काम करूँगी, बिकॉज इन दीज डेज माई ड्यूटी इज़ लाइक कि मेरे पास थोड़ा टाइम है। और बाकी आई विल ट्राई कि नेक्स्ट ब्लॉग इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो प्लीज़ आप मुझे DM करें कि क्या इसमें गलतियाँ थी, स्पेशली मैं अच्छा फील करूँगी कि आप ब्लॉग देख रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें वो गलतियाँ भी देख रहे हैं, बिकॉज अच्छा रहेगा कि आप मुझे बताएंगे और मैं उन चीज़ों में मतलब उन चीज़ों को लेके इम्प्रूवमेंट करूँगी। सो आज की वीडियो में मेरी जो कैमरामैन थी वो थी आशिमा ठाकुर, तो ये मेरी भाभी जी की बेटी है। एंड सब कहते हैं दैट शी इज़ लाइक माई कार्बन कॉपी, इसकी हरकतें मैच करती है मतलब। सो आशिमा, आप क्या बोलना चाहेंगी व्यूअर्स को? जो मैंने अपनी दीदी की जो शूट की है वीडियो, उसको प्लीज़ आप जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।